ओंकार सचखंड वशे नरंकार 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 सचखंड वशे नरंकार सचखंड वशे नरंकार कर कर वेखे नदर निहार 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 सचखंड वशे नरंकार सचखंड वशे नरंकार सचखंड वशे नरंकार सचखंड वशे साहेब धन गुरु गोविंद सिंह 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 साहेब वाह गुरु वाहे 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 गुरु धन गुरु गोविंद सिंह साहेब 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 कर कर वेखे नदर निहाल कर वेखे नदर निहाल कर कर
नदर निहाल, कर कर बेटे नदर निहाल। सच खंड वश निरंकार, 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 सच खंड वश बाणी जोर, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिथे जोध महाबल तिन में राम रहा भरपूर, 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 सच खंड वशे निरंकार, 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 सच खंड वशे कर कर वेखे नदर निहार, कर कर वेखे नदर निहार, कर कर वेखे नदर निहाल, 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 सच खंड वशे निरंकार, सच खंड वशे निरंकार, सच खंड वशे सच खंड वशे निरंकार, सच खंड वशे निरंकार, सच खंड वशे निरंकार, सच खंड वशे शीतो सीता मेहमा माहे, शीतो सीता मेहमा माहे, शीतो सीता मेहमा माहे, शीतो सीता मेहमा माहे, ताके रूप ना कथने जाए, ताके ना कोई मरे
न ठगे जाए, ना ओए मरे न ठगे जाए, ना ओए मरे न ठगे जाए। जिनके राम बसे मन माहे, जिनके राम बसे मन माहे, जिनके राम बसे मन माहे, सचखंड बसे निरंकार, सचखंड बसे निरंकार, सचखंड बसे निरंकार, सचखंड बसे निरंकार। कर कर वेखे नदर निहार, कर कर सचखंड बसे निरंकार, सचखंड बसे निरंकार, सचखंड बसे निरंकार, सचखंड बसे भगत वसे के लोए, तिथे भगत वसे के लोए, तिथे भगत वसे के लोए, तिथे भगत वसे के लोए। करे आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, कर वेखे नदर निहाल, कर कर वेखे नदर निहाल, सच खंड वसे निरंकार, 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 सचखंड वसे निरंकार, सचखंड वसे निरंकार, सचखंड वसे निरंकार। कर कर वेखे नदर निहार, कर कर वेखे नदर निहार, कर कर वेखे नदर निहाल, कर कर वेखे नदर निहाल, सचखंड वसे निरंकार, सचखंड वसे निरंकार, सचखंड वसे निरंकार, सचखंड वसे खंड मंडल वर भंड, खंड मंडल वर भंड, जे को कथे ता अंत ना अंत, जे को कथे ता
अनंत तिथे लोए लोए आकार जीव जीव हुकम तिवे तिमकार वेखे विगसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार नानक कथना करड़ा सार सचखंड वसे निरंकार सचखंड वसे निरंकार वशे 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 निरंकार सचखंड वशे निरंकार सचखंड वशे निरंकार सचखंड वशे निरंकार सचखंड वशे निरंकार धन गुरु गोविंद सिंह साहिब 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 वाहे गुरु 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 धन गुरु गोविंद सिंह साहिब 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 कर कर वेखे नदर निहाल सचखंड वशे निरंकार सचखंड वशे निरंकार गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का जीवन जदों पढ़ी दा और संसार दे ग्रंथां वल इतिहास वल वेखी दा गुरु गोबिंद सिंह जैसा दुष्ट दमन दाता एडे वड्डे कारज कर गया जेडे चार युगां विच कोई नहीं कर सकदा ते आप दी थोड़ी उम्र पौने 43 साल आप जी दी सारी आयो सी 9 सालां दी उम्र विच आप नू गुरगद्दी ते विराजना नसीब होया ते आपने पहली जो शहादत दित्ती अपने पिता दी हिंदू धर्म दी लज्जा रही आख्या जाओ पिता जी
तुआडे तो वद केड़ा महापुरख ब्रह्म ज्ञानी जोधा इस वेले है जेड़ा बलिदान देवे अपने पिता नू कुर्बान कर दिता किसे दे धर्म दी रख्या लई उचारण करो श्री मेरे साहब जी का जन्म अवतार पटना साहब की धरती ते होया बचपना आपने आनंदपुर की पवित्र धरती ते बिताया और बचपन च ही हुक्म किया सी पिता नू भेजिया सी दिल्ली तिलक जंजू राखा प्रभ तांका कीनो बड़ो खलू में शाका उपरंत फिर आपने बड़े बड़े कार्य किते मैं बेनती कर रहा सा इतने थोड़े समय विच खालसा पंथ दी साजना करनी दसम ग्रंथ दी रचना करनी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी बाणी नू एकत्र करके गुरियाई गुरबाणी नू बख्शनी एडे थोड़े समय विच एडे वड्डे कार्य आप दे हिस्से आए धर्म युद्ध दे विच आप दा सारा परिवार शहीद हो गया आप दखन दी धरती ते आए प्यारी सात संगत जी इधर आउन दी क्यों लोड़ पई गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी नू इधर आउना भी जरूरी सी अनेकां रूहां भटक रही सन अरदासां कर रही सन जिन्हां दा उधार करना सी आपने और जो वड्डा कारण है ओ सी जिथे सतयुग विच बैठ के आपने अनेकां बरस तपस्या कीती सी उस थां नू श्री सचखंड हजूर साहब अबचल नगर दी धरती नू उस पवित्र धरती नू प्रगट करना सी उचारण करो श्री उनू प्रगट करन लई जदों आप दखन दी धरती ते चरण पाए आपने ओही जगह आपनू बड़ी रमणीक और बड़ी पसंद आई जिथे सतयुग विच बैठ के तप कीता सी निजाम दा राज सी निजाम हैदराबाद दा उना कोलो जमीन दी जदों मंग कीती तां कहन लगे एवें नहीं अशरफियां सोने दियां मोहरां विछा के ए जमीन दे सकदे आं ते जदों सतगुरु जी ने ए वी उना दी मंग पूरी कर दिती तां निजाम जो बादशाह सी दखण दा ओ कहन लगा महाराज इसे ही जगह नाल तुहाडा क्यों सनेह है ते उनू दस्या भाई कि सतयुगी धरती है ते सतयुग विच असी बैठ के इत्थे बड़ा तप कीता है महाराज कोई निशानी दसो कहन लगे इस धरती नू पुटो ते जदों धरती नू पुटिया तां इस धरती विचों शस्त्र निकले जो अज भी सचखंड श्री हजूर साहब विखे दर्शन कराए जाते हैं सतयुगी शस्त्र निजाम इतना प्रसन्न होया श्रद्धालु हो गया महाराज के बचन सुन के कि 13 पिंडा की जमीन गुरुद्वारा साहब के नाम लवा दिती अज नंदेड़ हजूर साहब जो आप जानते हो शहर वसया है ये गुरु घर की धरती है सारी और इत्थे आउण दा एक होर भी कारण सी कि गुरु नानक साहब वेले मूला कीड़ होया जिसने मरना सच और जीवना झूठ आख्या सी ते गुरु नानक साहब जी ने कहा सी मूलिया जे मरना सच है तां आ जितनी जिंदगी है साडे नाल बिता मूला तां तैयार हो गया पर उहदी घरवाली कहन लगी तू अंदर बह जा मैं आपे सतगुरां नू कह देंगी भाई घर कोई नहीं ते महाराज जदों लैन गए ते मूले दी घरवाली कहंदी है जी ओ घर कोई नहीं एक वेरी दो वेरी तीजी वेरी जदों आख्या ना कोई नहीं ते गुरु नानक साहब जी दे मुख तो बचन निकलिया भाई चंगा जे कोई नहीं तां ना ही सही
ਤੇ ਗੋਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੂਲੇ ਕੀੜ ਨੂੰ। ਉਥੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਜੀ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਤਰੀ ਰੱਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਬਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਸਹਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਹਿ ਨੂੰ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਸਹਿ ਨੂੰ, ਸਹਿ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਬਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਸਹਿ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਹਿ ਦੀ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਹਰ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਭਾਗੀ ਘੜੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਜਨਮ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਝੂਠਿਆ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਸਵੀਂ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੂਲਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ। ਇੱਥੇ 8 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, 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 ਧੰਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ।